Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों तुम्हें purchase return book का question कराते हैं। तुम्हारे सामने question आ रहा है purchase return book का। ये श्री अरविंद राम की books में purchase return book या return outwards, outwards जो हमने purchase किया उसको वापस भेज। इसमें भी बच्चों डेट पर्टिकुलर्स अगर कोई डेबिट नोट नंबर दिया हो। देखो ऐसा होता है जब मैं किसी से परचेज करता हूं तो एंट्री होती है परचेज डेबिट टू पार्टी या टू सप्लायर। जब मैं उसको गुड्स रिटर्न करूंगा तो एंट्री क्या होगी सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न। रिपीट सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मैं अपनी बुक्स में सप्लायर को डेबिट करूंगा। सप्लायर को डेबिट करने पर हम एक नोट बनाते हैं जिसका नाम होता है डेबिट नोट। तो सप्लायर को ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि हमने आपको अपनी बुक्स में डेबिट कर लिया है क्योंकि मैं आपके गुड्स वापस कर रहा हूं। तो उसको बोलते हैं डेबिट नोट। तो वो डेबिट नोट अगर कोई नंबर है तो वो यहां पर शो कर देंगे। बाकी तो लेजर फोलियो डिटेल्स और अमाउंट तो है। 2015 जून 15 को राम अवतार एंड सन्स को 6000 के गुड्स वापस किए। लेस ट्रेड डिस्काउंट है 10% तो 6000 माइनस 654। और फिर गोपाल सन्स को 15000 दिए। गोपाल सन्स को 15000 दिए इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। एज द गुड्स वर नॉट एज पर सैंपल इससे हमें कोई मतलब नहीं। टोटल 20000 चार्ज। और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। राइट जी खत्म। अब इसमें मैं अगर तुम्हें जनरल एंट्री पास करके दिखाऊं तो जनरल एंट्री भी देख लो आपकी क्या बनेगी। राम अवतार डेबिट या राम अवतार एंड सन्स डेबिट गोपाल सन्स डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट मंथ के एंड में इकट्ठी एंट्री ये इस तरह से पास करके दिखा दी जाती है 5400 15000 और टोटल 20400। एम आई राइट इज इट ओके। So, ये हमारी परचेज रिटर्न की बुक भी बन गई और जनरल एंट्री भी पास हो गई। ओके okay?